हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जीएस हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस टेक्निक को आपके लिए आसान बनाए, आप इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को आसानी से अपने घर पर सीख सकें। तो उसके लिए हम आज आपके सामने दो ऑप्शन लेकर के आए हैं, जिसके जरिए आप बहुत आसानी से अपने घर पे हाइड्रोपोनिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक हॉबी पर्पज से काम करना चाह रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स में, मीन्स आपको केवल एक शौक है या एक क्यूरियोसिटी है कि हम देखें बिना मिट्टी के पौधे उगते कैसे हैं, और उसमें आप चाहते हैं कि कम से कम एक्सपेंस हो हमारा, तो उसके लिए भी हम आपको एक टेक्निक बताएंगे यहाँ पे। और अगर आपका प्लान आगे चल करके कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स का है, यानी आप चाहते हैं कि हम एक बड़ा फार्म डेवलप करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा रेडीमेड सेटअप भी लेकर के आए हैं। ये 90 प्लांट का DFT सिस्टम है, डीप फ्लो टेक्निक, जिसमें राउंड पाइप का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर 90 नेट कप्स लगे हुए हैं। तो चलिए इन दोनों टेक्निक को समझते हैं। अगर आपका हॉबी पर्पज है तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं, और कमर्शियली आपका जाने का विचार है तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हाइड्रोपोनिक शौकिया तौर पर करना है और सिर्फ आप एक छोटा सा ट्रायल लेना चाहते हैं, तो हम भी यही आपको सजेस्ट करेंगे कि उसमें आपके ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हों और बहुत सारा मटेरियल प्रोक्योर करने में आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े, मटेरियल्स आपके घर पे ही मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, आप लोगों के लिए एक हाइड्रोपोनिक्स का डीप वाटर कल्चर टेक्निक का ये सेटअप रेडी है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक आपको चाहिए होगी बकेट, इस तरीके के पेंट वाली बकेट लगभग सभी घरों में मिल जाती है, 10 लीटर कैपेसिटी एनफ है। तो ये एक थर्माकोल की शीट है जिसमें हमने नाइफ से छोटे छोटे होल कर दिए हैं 3 इंच के नेट कप के हिसाब से। नेट कप भी अगर आपको ना परचेज करना हो तो आप सिंपली जो डिस्पोजल ग्लासेस होती हैं उनमें होल करके और उसको भी नेट कप की तरह यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करना है कि जिस तरीके से आप नेट कप में देख रहे हैं कि बड़े बड़े होल हैं और ज़्यादा होल हैं नीचे भी साइड में भी, तो उसी प्रकार से प्रॉपरली जो आपका डिस्पोजल ग्लास लेंगे आप यूज करेंगे उसमें भी काफ़ी सारे होल आपको बना के रखने हैं। इसके बाद ये 4 होल आप देख रहे हैं, हमने 4 होल किए हैं और इसमें नेट कप को इस तरीके से फंसा देना है। इसमें भर देने हैं हाइड्रोपोनिक्स के न्यूट्रिएंट्स, लीफी वेजिटेबल आप लगाइए शुरुआत में अच्छा रहेगा, और लीफी वेजिटेबल के लिए जो न्यूट्रिशन फॉर्मूला है वो हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वहां से जाकर के न्यूट्रिशन फार्मूला चेक कर सकते हैं। और सेम न्यूट्रिशन फार्मूला में आप 10 लीटर के बकेट में न्यूट्रिशन बनाइए। वाटर लेवल इतना रखना है कि इसको ऐसे रखने के बाद ये इस बॉटम सरफेस को, पानी का जो लेवल है इस बॉटम सरफेस को केवल टच करे, बहुत ज़्यादा इसको डुबाना नहीं है, अदरवाइज ओवर वाटरिंग से प्लांट खराब हो जाते हैं। तो केवल इसको टच करे, इतना वाटर, इतना न्यूट्रिशन भरना है और इस तरीके से प्लांट्स को आप लगा दीजिए आराम से बिना किसी झंझट के। इसमें पालक उगाइए, लेटस उगाइए, बेजिल उगाइए, जो भी आपको एक ट्रायल करना है आप इजिली इसमें ट्रायल कर सकते हैं। इसमें 2 अरेंजमेंट छोटे छोटे आपको और करने होंगे। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए इमेज में आप जैसा देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से एयर पंप आते हैं, ये एयर पंप 3 वॉट का है, आप इसे इसमें लगा दीजिए और 1 महीने में आपकी लीफी वेजिटेबल्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको बिना किसी झंझट के हाइड्रोपोनिक्स का एक फील मिल जाएगा। ये जो टेक्निक है इसको कहा जाता है डीप वाटर कल्चर। आप इमेज में जैसे बड़े बड़े फार्म देख रहे हैं, इसी टेक्निक से बड़े बड़े फार्म में लीफी वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। तो ये छोटा सा ट्रायल आप बहुत कम एक्सपेंस पे अपने घर पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्लान फ्यूचर में ऐसा है कि अभी आप एक छोटा सा ट्रायल करना चाहते हैं, कमर्शियल फार्म का फील लेना चाहते हैं और फ्यूचर में बड़ा कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स फार्म का आपका एक सोच है, एक सपना है, तो उस कंडीशन में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि तब आप एक छोटा सा DFT सिस्टम अपने घर पे बनाएं, रियल सिस्टम जैसा एग्जैक्टली आपके कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स फार्म में होगा। ये 90 प्लांट का सेटअप है और किसी छोटी जगह के लिए एक परफेक्ट मॉडल है ये। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 तीन लेयर में आप यहाँ पर प्लांट्स को देख रहे हैं। ये स्विस चार्ड लगा हुआ है, ये पालक की फैमिली का एक वेजिटेबल होता है। नीचे आप देख रहे हैं ये ग्रीन लेटस और रेड लेटस लगा हुआ है। रेड लेटस अभी बहुत ज़्यादा रेड नहीं हुआ है क्योंकि अभी केवल 1 महीने का है और ये नेट हाउस के अंदर है, तो प्रॉपर सनलाइट ना पड़ने की वजह से इसमें अभी प्रॉपर रेड कलर नहीं आ रहा। और नीचे हमने ये कोरिएंडर लगाया हुआ है।
अब डियर फ्रेंड्स, हम इसके सारे पैरामीटर्स आपको बताते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इनका हाइट कितना है, इनकी विड्थ कितनी है, और आप इन्हें अगर खुद से बनाना चाहें, अगर आपके पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, प्लम्बिंग का भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं, सारी टूल्स मशीन ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपको नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ है, तो आप इसे खुद से डिज़ाइन कर लीजिए। हम इसका टेक्निक भी बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये 4 इंच की 110 mm की पाइप यूज किया है। ये जो पाइप की लेंथ है ये 5 फिट है। आप इसे अपने घर के एरिया के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये हमने छोटी बालकनी या छोटे स्पेस के हिसाब से डिजाइन किया है, क्योंकि हम ये सेलिंग भी करते हैं इसकी। तो ये 5 फिट की पाइप है जिनमें 6-6 इंच के डिस्टेंस पे हमने होल काटे हुए हैं, और ये टोटल एक पाइप के अंदर 10 होल्स हैं नेट कप के लिए। आप 3 इंच का नेट कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 इंच का नेट कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लीफी वेजिटेबल दोनों में आसानी से होता है। ये हमारा वाटर टैंक है, 20 लीटर की बकेट है, यही इस पूरे सिस्टम को वाटर सप्लाई इसकी कंप्लीट करती है, इसमें ही न्यूट्रिएंट रहता है। तो इस 90 प्लांट के सेटअप में 20 लीटर का टैंक एनफ है, उतना पर्याप्त है। आप चाहें तो 30 लीटर तक का भी कर सकते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है ये। यहाँ से वाटर अपर पाइप के इस पोर्शन में इंसर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आरओ की पाइप है, 4 एमएम की फीडर लाइन इसको बोलते हैं। तो ये फीडर लाइन से पानी यहाँ पर जाता है, सेम इस पाइप में भी जाता है, और ऐसा ही है, यानी कि एक चैनल से 3 कनेक्शन हमने दिए हुए हैं। फिर इसका वाटर यहाँ से सर्कुलेट करता हुआ, और ये ड्रेनेज होल दिए हुए हैं, इस ड्रेनेज होल से नीचे वाली पाइप में जाएगा, नीचे वाली पाइप से यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी ये ड्रेनेज होल है, तो इसके बाद ये इस पाइप में जाएगा और फाइनली टैंक में वापस चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, हार्डली 3 इंच का गैप है। ये टोटल जो सेटअप है वो 5 फिट लेंथ में है, 4 फिट हाइट में है, और 1.5 फिट यानी कि 1.5 फिट ब्रिथ में है। तो इतनी ही स्पेस में ये लीफी वेजिटेबल्स आराम से चल रहे हैं। ये जो प्लांट डियर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, ये प्लांट अभी हार्डली 1 मंथ के हुए हैं, 1 मंथ या 32 डेज के। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, इनको हमने 30th of October को इनका सीड ट्रांसप्लांट किया था, सीडलिंग किया था। 1st of November से 5th of November के बीच में इनमें जर्मिनेशन शुरू हुआ, और आज जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये है 5th of December 2021, यानी कि लगभग इनको 30 से 32 दिन हो रहे हैं टोटल, और 30-32 दिनों में ही ग्रोथ बहुत प्रॉपर आई है। इट मीन्स ये सिस्टम बहुत प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सनलाइट का भी इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों के फिर सवाल आते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर पाइप है तो क्या जो नीचे पाइप या बीच में पौधे पड़ रहे हैं उनको सनलाइट की कमी हो रही है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन हम नेट हाउस के अंदर है जहां ऑलरेडी लाइट कम रहती है, उसके बावजूद भी प्लांट की ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और इन प्लांट का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो अबाउट 45 डेज का होता है, तो इट मींस अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं। 15 डेज के बाद हम आपको फिर से अपडेट देंगे, उस वक्त तक आप देखिएगा कि इन प्लांट्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये सभी पूरे एरिया को कवर कर लेंगे और ये पाइप्स ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे, इनसे ढक जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सेटअप है ये आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, अगर आपके पास सारे टेक्निकल नॉलेज है तो, और अगर आप नहीं बना सकते या आपके पास समय की कमी है तो हम ये सारा जो रेडीमेड सेटअप है ये हम सेल भी करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसमें 40 प्लांट का सेटअप ले सकते हैं, 60 प्लांट का सेटअप ले सकते हैं, 90 प्लांट का सेटअप ले सकते हैं, जिनके कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ से लेकर के और 13-14,000 के आसपास है। फिक्स अमाउंट हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि समय समय पर रॉ मटेरियल्स के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से हमने आपको एक रेंज बता दिया कि 10,000 से 14,000 रुपए के बीच में इनकी प्राइसिंग जाती है, जिसमें इंक्लूड होता है ये सारा का सारा सेटअप, पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, सारे न्यूट्रिएंट्स, नेट कप्स, येलो ब्लू ट्रैप और जितने भी स्टफ्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको उस पूरी कॉस्टिंग के साथ, शिपिंग चार्ज के साथ में मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट रेट, लेटेस्ट प्राइस इनका क्या है इस समय, उसको चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट जो स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, तो इस वेबसाइट को आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी हमने इसको सेलिंग में डाला हुआ है, या आप हमें व्हाट्सएप करके इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं इसकी डिज़ाइन को, या नंबर ऑफ नेट कप्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम प्लांट्स की हार्वेस्टिंग के ऊपर हम देख लेते हैं। कई बार मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग जब कट करते हैं तो वो टोटली ऐसे करके कट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई बड़ी बड़ी थोड़ी बड़े साइज की लीव्स हैं, तो हमें इन लीव्स को अभी हार्वेस्ट कर लेना है, इन्हें हम कंज्यूम करेंगे। एंड जो आप ये लीव्स देख रहे हैं छोटी छोटी, फिर फर्दर ये ग्रो कर जाएंगी इतनी साइज में, तो देन आप इसे हार्वेस्ट करिएगा। आपको पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इस छोटे से हमारे 90 प्लांटर सेटअप की, और इसी बीच में हमने कुछ समय पहले अपना ग्रो बैग का एक वीडियो बनाया था, तो उस समय हमारे जो टोमेटो प्लांट उस छोटे छोटे थे उसी वक्त हमने उसकी शिफ्टिंग किया था। तो आइए उसका भी एक अपडेट आप लोगों को दिखा देते हैं कि अभी वो प्लांट कैसे चल रहे हैं और उनकी क्या कंडीशन है। तो वो प्लांट जस्ट आपके बगल में ही है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरी हाइट के हिसाब से आप लोग इमेजिनेशन करिएगा कि ये प्लांट क्या है। मैं अपनी हाइट बता दूं, मैं 5'11" हूँ, लगभग 6 फीट मेरी हाइट है, ये शूज पहनने के बाद हो गई है। तो आइए देखते हैं, सभी लोगों को हम अपने अर्बन जंगल में लेकर के चलते हैं। अर्बन जंगल ये बहुत अच्छा नाम है, आप अपने फार्म के लिए डिसाइड भी कर सकते हैं। फ्यूचर में जब कभी आप किसी शहर में कोई फार्म खोलें तो अर्बन जंगल रखिएगा, और उसके लिए बता दीजिएगा कि ये जय सर ने नॉमिनेशन किया था इसका। इस वक्त अब तो यहाँ इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो चुकी है कि मैं इन प्लांट्स के बीच में खो गया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इतना शानदार अनुभव मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं आया। टीचिंग भी मैंने किया, बच्चों को पढ़ाना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता था, लेकिन ये कुछ और ही है, ये गार्डनिंग, ये हाइड्रोपोनिक्स। बगल में नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही हमारा घर, और यहाँ पे हम लोग टेरेस के ऊपर इतनी डेंसिटी में जंगल के तरह टोमेटो की फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चेरी टोमेटो लगे हुए हैं, जिनका हमने शॉर्ट भी डाला था कुछ समय पहले। तो ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी सी अभी फ्रूट का बंच बना हुआ है। अभी ये कच्चे हैं, इनके अभी राइपनिंग नहीं हुई है, लेकिन राइपनिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, कुछ कुछ चेरी टोमेटो अपना कलर भी लेना शुरू कर चुके हैं। ये और रेड होगा, एक दो दिन के अंदर इसमें और ज्यादा कलर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को हम देंगे। और ये हमारे येल्लो चेरी टोमेटो है, ये देखिए इसकी फ्रूटिंग तो और भी ज्यादा शानदार है। अभी ये छोटे छोटे हैं, थोड़े दिन में और इनका साइज बढ़ेगा, और वहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें येल्लो कलर भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये येलो कलर आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है। तो ये हमारे 2 चेरी टोमेटो के ट्रायल थे। हमारे टेरेस के अंदर 600 स्क्वायर फीट में बहुत सारे टोमेटो के प्लांट्स, स्पिनेच के प्लांट्स, वर्टिकल स्टैंड और ढेरों एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और अनएक्सपेक्टेड प्लांट हेल्थ हमको मिली है। क्योंकि टोमेटो प्लांट्स में हमने इतनी साफ सुथरी पत्तियाँ, इतने फ्रूटिंग, ये सारी चीज़ें कभी नहीं पाया था, जो हमें यहाँ पर शानदार रिजल्ट के रूप में मिला है। सो दोस्तों, सिर्फ एग्जॉटिक वेजिटेबल ही नहीं, आज हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि नॉर्मल जनरल फ्रूटिंग प्लांट्स में भी आप आसानी से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग को घटा करके। तो बिजनेस मॉडल हमें कुछ इस तरीके से डेवलप करना होगा इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।